उत्तर प्रदेश में आज से जन योजना अभियान की शुरुआत होने जा रही है और इसमें ग्रामीणों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। साल 2022-23 के लिए तीन स्तरों पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों को निर्देश है कि सामाजिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाएंगी और इसमें मिशन अंत्योदय के तहत 29 विषयों को ध्यान में रखकर काम कराना है। आपको बता दें कि सरकार ने 2 अक्टूबर से 31 जनवरी 2022 के बीच ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं बनाने के निर्देश दिए हैं और इसे सरकार ने जन योजना अभियान का नाम दिया है। गांवों में ग्राम पंचायत स्तर के सभी विभागों की कर्मचारियों की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठकें अनिवार्य रूप से की जाएंगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला एक बार फिर से लखनऊ से जुड़ गए हैं। मयूर, आज से जन योजना अभियान की भी शुरुआत होने जा रही है, इस कार्यक्रम को लेकर क्या अपडेट्स आपके पास, कैसे इसे सफल बनाने की तैयारी? बिल्कुल दिव्या, देखिए जन योजना जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत आज से हो रही है और जो भी ग्राम सभाएं हैं या फिर क्षेत्र सभा की बात करें, क्षेत्र पंचायत है या फिर जिला पंचायत है, तीनों स्तर पर जो विकास योजनाएं हैं उनको तैयार करने की बात की जाएगी। ग्राम पंचायत के जितने भी विभाग हैं उनके जितने भी अधिकारी हैं बैठकें करेंगे और योजना बनाएंगे इस बात की कि ग्रामों का विकास कैसा हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 75% से ऊपर जो जनसंख्या है वो गांवों में रहती है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि गांवों का विकास हो, उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या परेशानियां हैं, उसका एक विवरण हो और उसकी एक लिस्टिंग हो और उनको कैसे दूर किया जाए, उनकी परेशानियां इसकी तैयारी की जाए। इसमें शिक्षा शामिल है, स्वास्थ्य शामिल है और जल की जो प्रॉब्लम गांव में होती है उसकी आपूर्ति कैसे की जाए ये शामिल है, साथ ही जो पैंडेमिक का दौर चल रहा है इससे कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसे बेहतर की जाए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बेहतर की जाए, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर बैठक होगी। बैठक के बाद पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और चुनाव से पहले पहले गांवों में विकास हो सके, गांव के लोग खुश हो सके, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है गांवों में और गांव की हवा जिस तरफ चलती है सरकार उसकी बनती है, तो कहीं ना कहीं कवायद इस बात की रहेगी कि गांवों में जो दूसरी लहर के दौरान जो दिक्कतें आई, जिस तरीके से कोरोना फैला उससे लोगों को जागरूक किया जाए और फिर से ऐसी स्थिति ना बने, इसको लेकर तैयारियां की जाए, गांव के लोगों को जागरूक किया जाए। बिल्कुल, तो गांव के लोगों को जागरूक किया जाए और उनका जीवन कैसे बेहतर बनाना है इसको लेकर फोकस किया जा रहा है और इसी वजह से आज इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।